और आपके ग्रुप का नाम? आपने जो डांस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता है तो कैसा लगा आपको? हमको आपको ऐसा लगा था कि इतने जो डांस कॉम्पिटिशन था फर्स्ट विनर आओगे करके? आपने क्या मैसेज देना चाहा? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके पहले से ठीक है। हमने जो ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम हो रहा है फॉरेस्ट फायर और फिर बहुत ज़्यादा आने में भी आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, जैसे अभी आने का बहुत सारे टाइगर्स को मारा जा रहा है, बहुत एनिमल्स को मारा जा रहा है, वही डांस हमारे सब हमारे देश में हमारे जो बंटी सर, भावे सर, शिखर सर, इन लोग सब लोग से हमारा कुछ नहीं है सर। जो कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने साथियों को लोग, जैसे जो बाकी स्कूल के बच्चे लोग हैं? फंक्शन किया जाता है, आपको कैसे पता चला? इससे पहले भी आप लोग कहीं परफॉर्म किए हो? इससे पहले ही सेम एड, सेम एड, सेम 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 जो भी किया रीना मेहता कॉलेज के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं कोरियोग्राफर एंड डांसर, लगभग मैं 15 साल की उम्र से काफ़ी टाइम से डांसिंग फील्ड में एज अ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, टीवी काफ़ी सारे विन किए, सो आई लव दिस फील्ड एंड दिस वर्क। तो काफ़ी सारा बड़ा एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी जर्नीज है, तो मैंने अलग अलग जगह पर मैंने प्ले किया है, उसमें से अभी आज एक नया जज हुआ मेरे साथ में, जो मैं रीना मेहता कॉलेज में एज अ जज बुलाया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई लव दिस ऑल परफॉर्मेंसेज जो यहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काफ़ी हार्डवर्क करके आए थे, काफ़ी प्रिपरेशन था और पूरे टीम और पूरे कॉलेज ने काफ़ी मेहनत किया, इतना पूरा सेटअप खड़ा करना इट इज़ नॉट ईजी। जितने भी बच्चे परफॉर्मेंस किए, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा एज अ जजेस? एज अ जजेस मुझे काफ़ी देखा जाए तो दो तीन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छे लगे, किसी के कॉस्ट्यूम अच्छे थे, किसी का एक्ट स्ट्रॉन्ग था स्टार्ट टू एंड, सबके अलग अलग जोन है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। कितनी टीम है इसमें टोटल? टोटल कितनी टीम है इसमें परफॉर्म कर रहे हैं? यहाँ पे लगभग कुछ सिक्स सेवन परफॉर्मेंसेस है जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो काफ़ी अच्छा है, सब अलग अलग कॉलेज अलग अलग जगह से आते, तो काफ़ी अच्छा नया कुछ देखने मिला। जहाँ स्टेज पे आपने भी थोड़ा कुछ परफॉर्मेंस किया तो कैसा लगा? कुछ पुरानी यादें ताज़ा हुई आपकी सर? काफ़ी टाइम बाद मैं भी स्टेज पे परफॉर्म किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया, कॉलेज का क्राउड का काफ़ी अच्छा वाइब था, वो लोग काफ़ी हाइपनेस दे रहे थे, मुझे भी ज़्यादा हाइप मिला था, मैं भी ज़्यादा काफ़ी जम्प जनरल करने लग गया उसको देखे, आई फील ऑल्सो यंग लाइक 16-17 लाइक कॉलेज बॉय, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एवरीथिंग मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। सर जैसा रीना मेहता कॉलेज की बात की जाए, आज इतना बड़ा फंक्शन रखा गया तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? ये फंक्शन हम लोग करीब ऐसे तो 14-15 साल से हम लोग कर रहे हैं, मगर लास्ट 3 साल से बड़े पैमाने पे कर रहे हैं जी, और उसका कारण है हमारा जो बेटा है सनी जी, वो उसने ये ऑर्गेनाइज किया है और इतने बड़े पैमाने पे उसकी काबिलियत है कि वो कर सकते हैं। ये तैयारियाँ कितने दिनों से चल रही? कम से कम इसमें 28-30 कॉलेजेस ने पार्ट लिया, इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन है, बड़े पैमाने पे होता है, बड़ा अच्छा लगता है और मज़ा आता है, उमंग है बच्चों में, एक एंथुसियाज्म आता है और जो स्टेज फियर जो होता है इनका निकल जाता है, एक एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को स्टेज पे आने के लिए। मैम आप क्या कहेंगे? प्रोग्राम इवेंट मैनेजमेंट जो करते हैं बच्चे उसमें उनको एक्सपोजर भी मिलता है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, आज जो कॉलेज का इतना बड़ा फंक्शन रखा गया, बच्चे लोग ने परफॉर्मेंस किए, तो उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए मृदंग आज एक हमारी रीना मेहता कॉलेज की एक पहचान बन चुका है, ओवरऑल सबब और मीरा भाईंदर लोकल सब मिलाकर करीब 28-30 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है, और सबसे पहले इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारे जो ट्रस्टी और सन है सनी मेहता, इसके साथ ही हमारे कॉलेज के तमाम स्टाफ, स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टीम बनाई है उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब हम ये इवेंट करते हैं तो इसमें पूरा टीम वर्क है और ये टीम इस तरह से जाता है या हम उनका नाम सुनते हैं तो हमें प्राउड फील होता है कि ये बच्चा हमारे कॉलेज से निकला है, तो नेचुरल है वो कि हाँ
हमें वो प्राउड फील होना ही है। अभी एक हमारी लेटेस्ट एक स्टूडेंट है अदिति, जो कि 98.3 FM में आ रही है और अच्छा होस्ट कर रही है। तो जब हमने भी कार में हम जा रहे थे, ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आइए, हम आपके साथ में हैं, आपके लिए हैं, कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आपका टैलेंट, आपके अंदर जो छुपा है, उसको बाहर निकालने का प्लेटफॉर्म हम रिदम के थ्रू आपको दे रहे हैं। करीब ऐसे देखिए तो हमारी कॉलेज का ये एनुअल इवेंट जो है, ये करीब करीब 12 साल से हो रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये हमारा फोर्थ ईयर है जो इतने बड़े स्केल पर हम कर रहे हैं। इसके पहले बोले के रीना मेहता कॉलेज में जो प्रोग्राम रखा गया, हेलो आज का प्रोग्राम मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी, बाइक तो मैं बाहर जाके चेक कर सकता हूं, बाइक में लगा के कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं काफी इंप्रेस हुआ, मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा कि वही नॉर्मल चीज है, मॉडल्स वगैरह, पर इनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। मैडम आप इतने साल से फैशन शो जज करते आई हूँ, देखते आई हूँ सब, हर बार कुछ ना कुछ अलग, हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिला है। यहाँ पे जो आज मुझे सबसे ज़्यादा दिल को छुआ वो ये था कि अभी जो हमारा एक्चुअली वर्ल्ड में प्रॉब्लम चालू है, बच्चों ने फैशन शो में वो थीम डाला है, कॉज के बारे में बात किया है, कॉज को लेकर आगे ये लोग आए हैं, सो वो बहुत अच्छा था। और भी बच्चों ने ऐसे बातें करनी चाहिए, अवेयरनेस स्प्रेड करना चाहिए, सो वो ऐसी एक छोटी सी चीज़ था जो मेरे दिल को छुई। जैसे कि आज 10 लोगों ने परफॉर्मेंस किया, तो एज अ जजेस आप लोगों को कैसा, किन का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा, कितने नंबर टीम सबसे अच्छा बेस्ट प्राय हमें परफॉर्मेंस वो हम अभी बता दें या फिर आप थोड़ा वेट करो? नहीं, आपको रुकना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, हम अनाउंस करेंगे थोड़ी देर में। नहीं, वैसे टीम्स काफ़ी अच्छी थी, वैसे दो तीन टीम्स हमें बहुत अच्छी लगी थी, परफॉर्मेंस बहुत काफ़ी अच्छा था, बाकी रिजल्ट के लिए हमको थोड़ा वेट करना। रीना मेहता कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रीना मेहता कॉलेज इनका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है, सुपर हॉस्पिटैलिटी है। हम जब से आए हैं हमें सिर्फ यही पूछ रहे हैं, आपको मैम कुछ चाहिए, सर कुछ चाहिए। एक बात तो पता चल गई कि अरीना मेहता कॉलेज में खानों की कमी नहीं थी, इतना खाना खिलाया ना इन्होंने, तो इनकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है, कि लोग काफ़ी अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और ये लोग इतना एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी कॉलेजेस में ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान दिया जाता है, यहाँ पर सब चीज़ को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को अपना टैलेंट बाहर लाने के लिए। सो इट इज़ वेरी नाइस एंड वी आर रियली हैप्पी, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, मतलब हमारे नाम पे ये सब नहीं था। अरे भाई बिल्कुल नहीं था। जोरदार गाइस, जोरदार तालियां। 25 साल से पारिवारिक संबंध है और रीना मेहता जी मीरा भाईंदर में नगर पालिका उस टाइम थी, तो नगर पालिका में वो नगर सेविका रही, आरोग्य समिति जो हेल्थ कमेटी है उसकी चेयरमैन रही, और बहुत अच्छा कार्य रीना मेहता जी ने इस शहर में किया है, और बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में अच्छी तरह से कॉलेज का निर्माण किया है, और आज वो बड़े पैमाने पर मीरा भाईंदर के बच्चों को एक अच्छा शिक्षा देने का काम जो है उनके माध्यम से हो रहा है। मीरा भाईंदर के सभी मजहब के लोग यहाँ पे जो है रीना मेहता कॉलेज में पढ़ते हैं, और बहुत उम्मीद से यहाँ पे अगेन एन अनाउंसमेंट, जिन जिन लोगों ने फैशन शो के लिए दे हैव नॉट गिवन द सॉन्ग, प्लीज गो राइट नाउ टू द मिलती है, और खेल कूद के मामले में कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में बहुत ही बच्चों में जो गुण होते हैं उस गुणों को आगे बढ़ाने का काम जो है रीना मेहता कॉलेज के माध्यम से हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा उनसे 25 सालों से पारिवारिक संबंध है, तो मुझे मालूम है कि रीना मेहता जी और उनके जो पति है हमारे भाई नरेंद्र मेहता जी और उनका जो बेटा है सनी, ये तीनों भी बहुत अच्छा काम शिक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं, और इस शहर की जो आवश्यकता भी थी कि यहाँ पर अच्छे कॉलेज बने, तो उस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा होगा।